तो जो आम लोग हैं, जो आम जनता हैं, जो रोज आपको फेस करते हैं, उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि सरकारी बैंक का आदमी काम नहीं करता है, ये बात उनके मन में बिठा दी गई है। तब जब आपकी नौकरी छीन ली जाएगी या ये बता करके कि बैंक घाटे में है, बैंकों का मर्जर कर दिया जाएगा या बैंक को बंद कर दिया जाएगा या आपका पेंशन स्कीम आपसे छीन लिया जाएगा, कल को कहा जाएगा कि आउटसोर्सिंग के नाम पे अब परमानेंट जॉब नहीं होगा बैंक में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब में लोगों को बहाल किया जाएगा, तो पब्लिक आपके साथ खड़ा नहीं होगी, क्योंकि आप जो फेस कर रहे हैं वो बात पब्लिक को नहीं पता है। और पब्लिक को तो आप जानते ही हैं कि बेचारी क्या है, उसको तो प्रधानमंत्री जी आकर के बोले कि नोटबंदी कर रहे हैं बहुत अच्छा चीज़ है, 50 दिन का हमको समय दे दीजिए, पब्लिक बोली कि 50 के आपको पूरे 5 साल का समय देते हैं, उनको फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। फेस कौन करेगा? फेस तो आप करेंगे ना। ये एक नीतिगत सवाल है, ये एक पॉलिसी लेवल क्वेश्चन है, और जब आप इस पॉलिसी लेवल क्वेश्चन को रेज करेंगे तो सबसे पहला बात आपके सामने जो थ्रो किया जाएगा वो ये कि आप बैंक कर्मी हैं, आप राजनीतिक बात क्यों कर रहे हैं। ये बात कही जाएगी ना कि आपका काम है कि आप नौकरी कीजिए, और जिस दिन मन होगा उस दिन सरकार नौकरी छीन लेगी, जिस दिन मन होगा उस दिन बैंक को बंद कर देगी, जिस दिन मन होगा उस दिन बैंक का मर्जर कर देगी, आप उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि आप इस बात को जब समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर किस चीज से झेल रहा है, उसकी क्या परेशानी है, इसको आपको अपने दिल में रखने से काम नहीं चलेगा, आपको मुखर होकर के ये बात बोलना पड़ेगा। और जब आप मुखर होकर के यह बात बोलेंगे तो आपके ऊपर तरह तरह का आरोप लगाया जाएगा, तरह तरह की बातें आपको कही जाएगी, कई बार तो आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसको वोट दीजिए, आपकी तरह मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम बीजेपी को वोट दिए हैं और बीजेपी की सरकार ही आकर के मेरी नौकरी छीन ले तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ना हम घर के रहेंगे ना घाट के, किसको जाकर के ये दर्द बताएंगे? पब्लिक को मालूम नहीं है कि एनपीए क्या होता है, बताइए ना, हम पीएचडी कर लिए हैं तब हमको अब जाकर के पता चला है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको मैं कहता हूं, आप एक दिन इस पे सर्वे करा लीजिए, जितना कस्टमर आपके काउंटर पे आए सबसे एक सवाल पूछिए, अच्छा बताइए एनपीए क्या होता है, देखिएगा आपको कितना लोग इसका जवाब देता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसी अंग्रेजी बोलने में जी टेढ़ा करना पड़े तब पर भी जाकर के उसका असली मतलब समझ में नहीं आए, और गूगल पे जाकर के प्रॉब्लम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया जब आप टाइप करेंगे तो जो आर्टिकल सबसे ऊपर आएगा इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें 9 कारण दिखाए गए हैं, और उसमें पहला कारण क्या बताया गया है, पहला कारण ये बताया गया है कि रूरल एरियाज के जो ब्रांचेज हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बैंकिंग सेक्टर को घाटा हो रहा है। मैं सेंट्रल बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूरल बैंक की बात कर रहा हूं। रूरल बैंक के ब्रांच में आप जाइएगा, 2 लोग ब्रांच चला रहे हैं, 2 लोग, अब समझ में ही नहीं आता है कि कौन मैनेजर है और कौन क्लर्क है, कौन प्यून है और कौन दरवान है। हमारा कुछ साथी रूरल बैंक में मैनेजर हुआ, तो इधर हम फोन किए, क्या हालचाल है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, और नौकरी? बोला छोड़ दिए। बोले काहे भाई, नौकरी मिलना तो भगवान मिलने जैसा है। आपको याद है जब आपकी बैंक में नौकरी लगी थी तब मिठाई बटा होगा, पूजा दिए होंगे, मजार पे चादर चढ़ाए होंगे, नहीं, नौकरी मिलना थोड़ा मतलब मामूली चीज है। जैसे लड़का अगर खोजा जाए तो गर्व से कहा जाता है कि लड़का पीओ है, अब पीओ साहब का हालत जाकर के रात को देखिएगा 8 बजे, उनको हम एक बार देख लिए ना, कहे ए भाई कौन कहता है कि प्रधानमंत्री देश चलाता है, देश तो पीओ चला रहा है,
दिन भर का कैश से लेकर के सिक्का से लेकर के डेबिट क्रेडिट खाता मिला करके तब ताला मार करके पीओ साहब जाएंगे। यही स्थिति है ना। किस वर्किंग कंडीशन में आप काम करते हैं? वो बोला कि एक तो जो है कभी बाढ़ में, सुखार में, जंगल में, पहाड़ में ब्रांच होता है, वहां की नौकरी है, दो इंप्लॉय हैं, एगो को बैंक में छोड़ करके जाते हैं, कभी काउंटर पे बैठता है, कभी गेट पर आता है, और उसके बाद हम फील्ड में जाते हैं क्या वसूलने के लिए, एनपीए रिकवर करने के लिए जाते हैं। एनपीए की सच्चाई क्या है? बैंक का जो एनपीए है, दूसरा कारण उसमें बताया गया है कि रिफंड नहीं होता है, जो लोग लोन लेते हैं वो रिफंड नहीं करते हैं। कौन रिफंड नहीं करता है? बड़ा एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो किसान रिफंड नहीं करते हैं। अब आप बताइए, आप सब बैंक कर्मी हैं, ईमानदारी से बताइए, बैंक का पैसा सबसे ज्यादा कौन चुराता है? किसान चुराता है? किसान चुराता है कि कॉरपोरेट चुराता है? कॉरपोरेट चुराता है ना। और कॉरपोरेट के साथ तो नेताजी फोटो खिंचवाते हैं मुस्कुराते हुए, सेल्फी विथ कॉरपोरेट। नहीं तो कॉरपोरेट से पैसा बैंक कर्मी कैसे वसूल लेंगे हमको बताइए? अगर लोकल एरिया का एमपी लोकल एरिया के ठेकेदार के साथ फोटो खिंचाएगा, मैनेजर बाबू का हिम्मत है कि उससे उसका गाड़ी उसके घर पर से खींच के ले आएंगे? है हिम्मत? ये है आपकी स्थिति। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति पे आप कब तक चुप रहेंगे? जितना दिन आप चुप रहेंगे उतनी जल्दी आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकती चली जाएगी। आप सब लोग जानते हैं मुझे यूथ के तौर पर यहां बुलाया गया है, लेकिन हमारा जो जनरेशन है उसने तो AIBA बनाया नहीं है, बैंकों का यूनियन तो उसने बनाया नहीं है। कभी कभी जो है ये बुढ़ापे में जाके कहेंगे कि आ जाओ यूनियन का मेंबर बन जाओ, तो कहेगा चंदा लेने के लिए आए हैं। क्यों जरूरी है यूनियन? क्यों जरूरी है यूनाइट होना? क्यों जरूरी है हड़ताल करना? एक बात सोच करके बताइए, इतनी वाहवाही सरकार ने ली, इतना पीठ थपथपाया, दो दिन के लिए अगर बैंक कर्मी हड़ताल कर देते तो सरकार का सारा ढोल फट जाता, सारा नोटबंदी का सच्चाई रोड पे आ जाता। कोई उलझुलूल फैसला सरकार लेती है, बैंक कर्मी पूरी ईमानदारी से उसको लागू करता है, बदले में उसको लोगों से क्या मिलता है कि बैंक कर्मी काम चोर होता है? बताइए, असल जो उसका प्रॉब्लम है कि किस वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहा है। माने हम क्या क्या बोलें बैंक का आपको, मेरे घर के आसपास बैंक है, हम देखते हैं। जिस मकान में बैंक को रेंट किया जाता है, जनरेटर लगाया जाता है, मकान मालिक रात को बैंक के जनरेटर से डीजल निकाल लेता है। बोलिए, ये सब होता है कि नहीं होता है? हम इसी समाज में पले बढ़े हैं, और यही हमारा और आपका नाता है, यही हमारा और जो आपका नाता है उसी बेसिस पे हम आज आपके बीच खड़े हैं। और यह जो सच्चाई है, इस सच्चाई को जब आप जानते हैं, हम जानते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको और हमको अलग अलग होने की जरूरत नहीं है, आपको और हमको एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है अपने हक और अधिकार के लिए। अब सवाल यह है कि अपने हक और अधिकार के लिए आप और हम इकट्ठा हो जाएंगे तो सरकार को दिक्कत नहीं होगी? सरकार किसी नीति पे कितना भी वाहवाही लूट ले, अगर रेल कर्मी एक दिन रेल का हड़ताल कर दें, बैंक कर्मी एक दिन बैंक का हड़ताल कर दें, किसान कहे कि हम आज टमाटर नहीं उगाएंगे, मशरूम नहीं उगाएंगे, तो प्रधानमंत्री क्या खाएंगे? इस देश को, समाज को चलाता मजदूर है, बदले में क्या मांग रहा है? बदले में कुछ नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमको एक डिग्निफाइड लाइफ दीजिए। क्या बैंक कर्मियों के ऊपर जो मिनिमम आवर है 8 घंटा काम करने का, वो नियम लागू नहीं होता है? बताइए, जब तक बैंक का पूरा हिसाब नहीं हो जाए, बैंक कर्मी बैंक छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। रोज का रोज उनको हिसाब करना है। ऐसा नहीं होगा कि 2 तारीख का हिसाब 3 तारीख को करेंगे, 2 तारीख का खाता उनको 2 तारीख को ही बंद करके जाना पड़ेगा, 3 तारीख को नया खाता खुलेगा। यह जो वर्किंग कंडीशन है उनका, उस वर्किंग कंडीशन में जो वो काम करते हैं, उस काम के एवज में उनको कुछ नहीं मिलता है। और बार बार इस बात का ढोल पीटा जा रहा है
कि पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में जा रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में क्यों जा रही है? पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में इसलिए जा रही है कि जो सरकार के दोस्त हैं, सरकार के जो दोस्त हैं वो बैंक का पैसा ले लेते हैं, और जो है फर्जी कागज जमा करके कौन मांगेगा? अगर हम किसान हैं, हम केसीसी कराने के लिए गए हैं, तो हमारा आप खाता खेसरा मांग लीजिएगा। अगर हम बहुत बड़का ठेकेदार हैं तब हम दिखा देंगे कागज पे कि हमको जो है 1000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। दो चार को रिश्तेदार को फोन करेंगे, कहेंगे कि 300 करोड़ तुम डाल दो, 200 करोड़ तुम डाल दो, 500 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, 500 करोड़ का मान लीजिए हम पैसा उठा लिए, 500 करोड़ का एसेट्स है ही नहीं, 500 करोड़ जो है बैंक रिकवरी नहीं कर सकती है। और जब बैंक का जो टोटल पूंजी है, जो कैपिटल है, वो लगातार कम होने लगेगा, तो सरकार कहेगी कि बैंक घाटे में जा रही है। सबसे पहली बात, दो तीन चीज को क्लियर करना चाहिए। पहला कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? बैंकियों का राष्ट्रीयकरण मुनाफा कमाने के लिए किया गया था, तो मुनाफा तो महाजन भी कमा रहा था। जब देश में महाजनी व्यवस्था थी तो क्या महाजन को मुनाफा नहीं हो रहा था? हो रहा था ना भाई, बैंक से महंगा लोन देता था, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देता था, लेकिन सिस्टम तो चल रहा था ना। राष्ट्रीयकरण करने का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयकरण करने का मूल उद्देश्य यह था कि पब्लिक का पैसा डूबे नहीं। और मैं आपको याद दिला देता हूं, आप सब सीनियर लोग हैं, एक बैंक था JBG, याद है? उससे पहले एक बैंक था पियरलेस, उससे पहले एक बैंक था हेलियस, ये सब पैसा लेकर के फरार हो गया। वो हेलियस का जो CEO था, वो था CEO बैंक का, आ सिनेमा बना रहा था बंबई जाकर के, पब्लिक का पैसा लूट रहा था। यह पब्लिक का पैसा ना लूटा जाए, पब्लिक का पैसा का जिम्मेवारी सरकार ले, इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मूल उद्देश्य तो यही था कि बैंक कर्मी जो सर्विस देते हैं, तो उनको सर्विस देने के चलते एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड किया जाएगा, और जो सर्विस लेने वाले लोग हैं उनको इस बात की श्योरिटी होगी कि उनका पैसा डूबेगा नहीं। तब लोग कहता था बैंक में पैसा जमा करने से पहले कि सरकारी बैंक है कि निजी बैंक है, तो लोग कहता था सरकारी बैंक है, तो लोग ये समझते थे कि सरकार जिम्मेवार है, बैंक भाग नहीं सकती है क्योंकि ये सरकारी बैंक है। अब जब सरकार ही कह रही है, सरकार ही कह रही है कि बैंकों का अब सरकारीकरण नहीं निजीकरण कर दिया जाए, तो उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया गया है। और आप हमको सोच करके बताइए कि ये कैसा राष्ट्रवाद है, खुद इस पे विचार करके बताइए। और फिर आपको अगर लगे कि हम देशद्रोही हैं तो आपको मुबारक हो। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, राष्ट्रीय कंपनियों को बेचा जा रहा है, ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये लूटवाद है, लूटवाद। और ये लूटवाद चलता कैसा है, इस बात को समझ लीजिए। ये लूटवाद एक सिद्धांत से चल रहा है, जिस सिद्धांत का नाम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। पैसा अगर कॉरपोरेट कमाएगा तो उसका प्रॉफिट है, लॉस होगा तो NPA में चला जाएगा। गजब बात है, प्रॉफिट होगा तो आपका निजी है, प्राइवेट है, और लॉस होगा तो पब्लिक का जाएगा। आखिर आप लोग बैंक में काम करते हैं तो आप तो ये बात जानते ही हैं ना कि हम मांगते भी नहीं है तब भी आप हमको ATM थमा देते हैं। क्या ATM थमा देते हैं भाई, हमको मजा आता है आपका मुंह देखते हैं सुबह सुबह, तो हमको अच्छा लगता है। बताइए, हम लाइन में लग करके अपना पैसा निकालेंगे, इसलिए थमा देते हैं ना कि जबरदस्ती आप हमको सर्विस पकड़ा रहे हैं। लेकिन आज आपकी हालत यह हो गई है, हमको सर्विस देते देते बैंक अब आपको कह रहा है कि तुम भी सर्विस खरीदो। क्या खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे हैं, कह रही है ना बैंक, कह रही है 40,000 रुपया अगर आपको तनख्वाह है तो कहती है कि 30,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब म्यूचुअल फंड का प्रचार कितना सुंदर आता है, बड़ा सुंदर एडवर्टाइजमेंट आता है। पहले कहेगा म्यूचुअल फंड सही है, और नीचे में लिखेगा कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। अब बताइए, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है तो बाजार का क्या है? तो बाजार तो कभी ऊपर चले जाएगी, बाजार कभी नीचे चली जाएगी,
यह जो बैंक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये टारगेट क्यों दिया जा रहा है कि आपका ब्रांच अगर इतना म्यूचुअल फंड नहीं खरीदेगा नहीं बेचेगा, या तो आप पहनिए माला या किसी को पहनाइए माला। यही है ना, यही चल रहा है ना, ये लूट है। इस लूट के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, लूट के खिलाफ जिस दिन बोलना शुरू कर दीजिएगा ना, तुरंत 5 मिनट के भीतर जो ही आप एक पोस्ट फेसबुक पर लिखिएगा कि तुरंत जो है आपको विकास विरोधी कह दिया जाएगा, तुरंत आपको काम चोर कह दिया जाएगा, तुरंत आपको देश विरोधी कह दिया जाएगा। आजकल एक नया चलन चला है, बात कीजिएगा बैंक का, बात कीजिएगा वित्तीय घाटा का, बात कीजिएगा इकोनॉमी का, तो लोग कहेंगे कि बताओ तुम्हारा 370 पे क्या पोजीशन है। हम बोले अरे यार हमको ये बताओ कि हम बैंक में काम करते हैं, बैंक में काम करने का जो कंडीशन है वो लगातार खराब हो रहा है, बुलाया था हमको पैसा गिनने के लिए, अब कह रहा है कि पैसा अगर बैंक में नहीं आ रहा है तो अपने ही पॉकेट का पैसा गिनना शुरू कर दो, अपने ही सैलरी में से म्यूचुअल फंड खरीदो, इंश्योरेंस बेचो, तरह तरह का काम करवा रहा है। मैं एक उदाहरण और आपको बता देता हूं। आजकल आपका पोस्ट ऑफिस जाना हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ऐसे ही एक दिन घूमने के लिए चले जाइएगा, पोस्ट ऑफिस में आजकल कोई चिट्ठी लेता देता नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी बैंक की तरह काम कर रहा है। एक प्रश्न आप सोच करके बताइए कि अगर बैंकिंग सेक्टर को घाटा हो रहा है, राष्ट्रीय बैंकों को मर्जर करने की जरूरत है, राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण करने की जरूरत है, राष्ट्रीय बैंकों को बंद करने की जरूरत है, तो फिर सरकार पोस्ट ऑफिस को बैंक क्यों बना रही है? सोचें इस बात को, क्यों बना रही है? इसलिए बना रही है कि एन केन प्रकारेन, आपके पास जो पैसा है, आपके पॉकेट में जो सेविंग मनी है, उसको निकाल करके कॉरपोरेट की चरण वंदना में उसको डाल देना है। यह मूल उद्देश्य है। और बाजार किन नियमों पे काम कर रहा है? नवरत्न तेल लगाते हैं कि नहीं? आज साउथ इंडिया में नहीं चलता होगा, नॉर्थ इंडिया में एक तेल चलता है, नवरत्न तेल। नवरत्न का बोतल जो है वही अमिताभ बच्चन वाला कूल कूल, तो नवरत्न का जो बोतल है वो पहले शीशा का आता था, फिर प्लास्टिक का आया, और दाम उसका बढ़ता था, दाम रोज बढ़ता है। नहीं, जिस गति से आपकी सैलरी बढ़ती है उसके दुगने स्पीड से महंगाई बढ़ता है। ये जब बैंक में काम करते होंगे आपके जो लीडर हैं तो उनको पूछ लीजिएगा कि कितना सैलरी मिलता था और उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड था और आपकी जो अभी सैलरी है उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको मिला करके देख लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि सरकार सैलरी क्यों बढ़ाती है। जब एक हाथ से सैलरी दे करके दूसरे हाथ से ले लेगी तो सैलरी का मतलब क्या है? एक तरफ आपका 7th पे कमीशन लागू कर दिया गया, अब दूसरी तरफ जो है जो सब्जी 12 रुपए में मिलती है वो अब 112 रुपए में मिलने लगेगी, तो उस सैलरी का क्या मतलब है? जो घर पहले 3 लाख रुपए में मिलता था वो घर अभी 30 लाख रुपए में मिलता है, तो सैलरी बढ़ाने का क्या मतलब है? और आप लोग तो इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, बैंक कर्मी है, इकोनॉमी डील करते हैं। जब महंगाई बढ़ती रहेगी और महंगाई को चेक करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं होगा तो आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए आपकी वही हालत होगी 28 तारीख की जो इनकी हुआ करती थी, उसमें कोई फर्क थोड़ी आने वाला है। तो लेकिन आपका कैश तो किसी भी तरीके से मार्केट में निकालना है, तो 50 रुपया का नवरत्न तेल तो सब नहीं खरीद सकता है, तो 50 पैसा का खरीद सकता है ना। तो कहा कि नवरत्न तेल अब बोतल में नहीं सैसे में मिलेगा, सैसे में। यही आज बैंकिंग सेक्टर के साथ किया जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि बैंकों को वित्तीय घाटा हो रहा है और दूसरी तरफ अपने ही इंप्लॉय को प्रेशराइज कर रहे हैं, एरिया मैनेजर और उससे पता नहीं कौन कौन बड़का बड़का मैनेजर साहब सब होते हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ब्रांच का मिनिमम प्रॉफिट अगर तुम टारगेट नहीं पूरा करो, बताइए हम दवाई बेच रहे हैं, MR हैं हम लोग, कि अगर टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो आप हमारे ब्रांच को बंद कर दीजिएगा। अब बेचारा मान लीजिए मैनेजर हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए कि कहीं किसी ब्रांच में हम मैनेजर हैं, हमारा जो प्रॉफिट है जो टारगेट दिया है हमारा एरिया मैनेजर, वो टारगेट हम नहीं पूरा करेंगे तो कहेगा कि मर्जर कर देंगे शाखा का,
तो उसको लगेगा कि अगर शाखा का मर्जर हो जाए तो वहां हेड कैशियर बना करके भेज देगा तो हमारा मैनेजर ही चला जाएगा। तू क्या कह रहा है कि क्लर्क सबको कहता है कि सुनो, किसी को म्यूचुअल फंड बेचो, किसी को इंश्योरेंस बेचो, किसी भी तरीके से लोन दो। असल मूल बात यह है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था क्राइसिस में है, और अर्थव्यवस्था जब क्राइसिस में होगी स्वाभाविक रूप से बैंकिंग पे उसका एक असर पड़ेगा। इसीलिए आज बैंकिंग की जो लड़ाई है, बैंकिंग सेक्टर को जो बचाने की लड़ाई है, वो एक कंप्रिहेंसिव लड़ाई बन गया है। इसीलिए रायलू साहब बहुत जोर से कह रहे थे कि हमको अलग अलग होकर के नहीं, मिल करके ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और तमाम तरीके का बदनामी का खतरा उठाते हुए, चाहे हमको कुछ भी कहा जाए, हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, और इस तर्क से लड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक मजबूत तर्क बता रहा हूं, इस तर्क से लड़ना पड़ेगा कि इस देश में जब प्रधानमंत्री सरकारी होना चाहिए, राष्ट्रपति सरकारी होना चाहिए, पार्लियामेंट सरकारी होना चाहिए, पार्लियामेंट के जो सांसद हैं उनका चढ़ने वाला जो गाड़ी है उसका जो ड्राइवर है वो सरकारी होना चाहिए, तो फिर बैंक क्यों नहीं सरकारी होना चाहिए, स्कूल क्यों नहीं सरकारी होना चाहिए, अस्पताल क्यों नहीं सरकारी होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, कई बार हो सकता है कि आपके बहुत सारे साथी ये प्रश्न भी पूछते होंगे कि AIB कम्युनिस्ट पार्टी है क्या, ये सवाल आता होगा। कहे कि इन लोगों को आदत है बात करते करते कॉमरेड बोल देते हैं, तब कॉमरेड शब्द सुन करके लगता है कि कहीं कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं है। देखिए, मैं आपके यूनियन का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि ये कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। और कॉमरेड शब्द का इस्तेमाल जो है वो कम्युनिस्ट होने के चलते नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, मौका मिलेगा तो सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे होगा शायद, या अगर दिल्ली जाने का कभी मौका मिले तो नेहरू म्यूजियम है जिसको तीन मूर्ति लाइब्रेरी कहा जाता है। जब देश आज़ाद हो रहा था तो जैसे मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं ना, उस वक्त नेहरू जी राष्ट्र के नाम संदेश दिए थे, और उनका जो संबोधन था वो अपनी बात ही यहाँ से शुरू किए थे, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स। ये मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। तो जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद हिंदुस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना था, और वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक माइलस्टोन वर्क था, और इस काम को आपके यूनियन के लीडर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर के बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का काम किया था। आप सिंपल से यह बात समझ लीजिए कि आज अगर बैंकों को डीनेशनलाइज कर किया जा रहा है एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप यह समझ लीजिएगा कि सरकार और स्टेट वेलफेयर के प्रोग्राम को छोड़ रही है, और वेलफेयर के प्रोग्राम को छोड़ने की दिशा में यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड कैसे किया जाए। और आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज जितना फॉर्मल है उससे ज्यादा इनफॉर्मल है, जितना इंप्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उससे ज्यादा इंप्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर को यदि डिसमेंटल करना हो तो सबसे पहला हमला किस पे होगा? बैंक पर। सबसे दूसरा हमला किस पर होगा? रेलवे पर। तीसरा हमला किस पर होगा? दूसरे तरह के जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर। इसीलिए आज बैंकों को बचाने की लड़ाई दरअसल सिर्फ और सिर्फ बैंक को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान की वह मूल भावना जिसमें यह कहा गया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि हम सब सिटीजन हैं, और हम सिटीजन होने के चलते सरकार को सर्विस के बदले टैक्स देते हैं। हमारा और सरकार का क्या संबंध है? एक इंडिविजुअल का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है? हम सरकार को टैक्स देते हैं, स्टेट बदले में हमको सर्विस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जब सरकार हमको बदले में सर्विस और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेगी तो हम बताइए हमारे टैक्स देने का क्या मतलब है। इसीलिए इस आइडिया को तोड़ने के लिए, इस आइडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए
वेलफेयर स्टेट के उस कॉन्सेप्ट को डिसमेंटल करने के लिए आज ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इसीलिए बैंकों को बचाने की लड़ाई इस देश में पब्लिक सेक्टर को बचाने की लड़ाई है और वेलफेयर स्टेट के उस कॉन्सेप्ट को बचाने की लड़ाई है जिसमें सिटीजन के लिए उनका सिटीजनशिप का राइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस राइट टू सिटीजनशिप को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए मैं जब आज आपके बीच खड़ा हूँ तो एक सिटीजन की जिम्मेवारी के साथ खड़ा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं खड़ा हूँ। और यह बैंकों की जो बचाने की लड़ाई है, मैं अगर यूथ होकर के सोचूं तो ये हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए हम तमाम अपने जो यूथ एम्प्लॉय हैं उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि एक बात याद रखिएगा, हमारे दादा अगर आम का पेड़ नहीं लगाते तो हम आम खा पाते? ये लोग अपनी उम्र आज बिता चुके हैं, आज पूरा का पूरा जीवन हमारा है, पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो डार्क में आज हमारा है। इसीलिए खास करके मैं यूथ एम्प्लॉय को अपील करना चाहता हूँ, यू मस्ट अवेयर अबाउट योर राइट एंड आर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल राइट इज टू बी ऑर्गेनाइज। राइट टू ऑर्गेनाइज इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंस को समझिए और ऑर्गेनाइज्ड होकर के जब आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर तरह तरह का आरोप लगाया जाएगा। मेरे ऊपर भी आरोप लगाया गया जिसकी चर्चा रायलू कर रहे थे, मैं उस सफाई में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ क्या? बताइए, देश में थंबिंग मेजोरिटी की सरकार है, मैं तो चुनाव हार गया हूँ, 300 से ज़्यादा लोगों ने उनको MP बना करके दे दिया है, कई राज्यों में उनकी सरकार चल रही है और जहाँ सरकार नहीं होती है वहाँ MLA खरीद करके सरकार बना लेते हैं, इतना पावरफुल लोग हैं। और हम खुल करके पूरी ईमानदारी से खुल करके इनके खिलाफ बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम इनके खिलाफ नहीं हैं, हम अपने हक और अधिकार को समझते हैं, हम इस देश की महत्ता को समझते हैं, हम बैंकिंग और जो पब्लिक सेक्टर है उसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। अगर हम कुछ गलत किए होते तो हमको छोड़ देते, थोड़ा तो लॉजिकल होकर के सोचिए ना। अरे सही आदमी को तो ये लोग छोड़ते नहीं है, गलत आदमी को छोड़ देते हैं। बात ये है कि हमको डर नहीं लगता है, पता है क्यों? जिस निर्मला सीतारामन का नाम अभी लिया जा रहा था वो हमारी ही यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, लेकिन उनके आँख में पानी नहीं बचा है। अगर उनके आँख में पानी बचा होता तो उनको ये पता होता कि HL परवाना नाम से जो फेलोशिप दिया जा रहा है वो उनकी यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है, तो वो सरकार की प्रशंसा में खड़े हैं, हम सरकार की आलोचना के लिए खड़े हैं, क्योंकि हम ये जिम्मेवारी समझते हैं कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम बिकने वालों में नहीं लड़ने वालों में लिखा जाएगा, उस लड़ाई के लिए हम खड़े हैं। और सर्टिफिकेट चाहिए क्या किसी से? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट हमेशा जो है वो समाज देता है, उसी समाज से आपको काटा जा रहा है। मैं आपसे ये नाता और रिश्ता जोड़ने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए अब आपको अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, नहीं कहते हैं एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी, उस एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी में आपको लर्निंग की भी जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेनी पड़ेगी। और इस लड़ाई में आप मजबूती से आगे बढ़िए, हम पूरी हिम्मत से और हमारी जितनी ही ताकत है, हम बहुत बड़ा आदमी नहीं है, वो कहानी आप लोग सुने होंगे जंगल में आग वाली, जंगल में आग लगी तो बड़े बड़े जानवर भाग रहे थे, एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, बड़े बड़े जानवर हंसने लगे, बोले तुम्हारी छोटी सी चोंच से क्या हो जाएगा, तो कोयल ने कहा कि तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में और हमारा बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मुझे इस बात का कोई गर्व नहीं है,
रायलू जी ने कहा कि हमारी तीन पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है, मुझे इस बात का कोई गर्व नहीं है। हम कहाँ हैं, हम कितना सीट जीते हैं, देश में हमारी हालत क्या बची है, इस बात से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि आपकी लड़ाई यदि सही है, आपकी लड़ाई यदि हक की लड़ाई है, आपकी लड़ाई यदि न्याय की लड़ाई है, तो हम आपके तरफ खड़े हैं, हम इतिहास में सही किनारे पे खड़े हैं। और जब हम सही किनारे पे खड़े हैं तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, वक्त चाहे जितना भी लग जाए, हम इस लड़ाई को जीतेंगे, बैंक को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। इसी शपथ और संकल्प के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।